हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑफलाइन क्लासेस फ्यूसेस जूनियर बैंक। डियर स्टूडेंट्स, राइट नाउ वी आर इन क्लास सेवेंथ। कहाँ है भैया? क्लास सेवेंथ में। और हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्या, व्हाट? मैथ्स पढ़ेंगे और मैथ्स में करेंगे बातें किसकी भैया? इंटीजर्स की। किसकी? इंटीजर्स की। और इंटीजर्स में हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में करा, वी हैव कंप्लीटेड आर एडिशन। व्हाट? एडिशन ऑफ इंटीजर्स। राइट नाउ वी आर गोइंग टू थिंक अबाउट द सब्ट्रैक्शन, वेदर इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन व्हाट एवर द लॉ वी हैड इन केस ऑफ एडिशन, लाइक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, लाइक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, नहीं ये सारी चीज़ें यहाँ वर्क करेंगी या फिर नहीं करेंगी, वी विल हैव टू चेक इट आउट राइट नाउ। ओके, सो चलिए देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, तो मैंने प्रीवियस क्लास में आपसे कहा था कि सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट रिवर्स ऑफ एडिशन, रिवर्स ऑफ एडिशन, बट चीजें कुछ अलग हो जाएंगे। देखिएगा, अगर हम आप सब्ट्रैक्ट करते हो ना चीजों को तो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। लाइक कुछ एग्जाम्पल्स तो हमने पहले भी कर रखा है। सब्ट्रैक्ट, पहला क्वेश्चन है, थ्री फ्रॉम माइनस सेवन, थ्री फ्रॉम माइनस सेवन, जस्ट वेट, वेट एंड वॉच, जस्ट वेट, वेट कर लो। ये क्या हो जाएगा? इट विल इक्वल टू माइनस सेवन माइनस थ्री। ये होगा तो ये सही बात है, बट कुड वी राइट दिस वन एज माइनस सेवन प्लस माइनस थ्री? मैंने ऐसा बताया था क्या? बताया था प्रीवियस क्लास कि इसके साइन को चेंज करेंगे, यहाँ लिख देंगे, यहाँ कुछ नहीं था माइनस से पहले, थ्री से पहले कुछ नहीं था, प्लस यहाँ रख दिए, इसका साइन निगेटिव कर दिए, प्लस मल्टीप्लाइड माइनस गिव्स अस निगेटिव रिजल्ट, निगेटिव रिजल्ट ना, तो क्लियर है, इसको लिख सकते हैं। अब ये देखो, सब्ट्रैक्शन तो था कहानी भर के लिए, हो गया, यहाँ एडिशन के फॉर्म में चेंज कर लिए कि नहीं कर लिए? दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट रिवर्स ऑफ, रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन, एडिशन का रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। अब देख लो, मतलब कह सकते हो कि थ्री का माइनस थ्री क्या है? एडिटिव इन्वर्स है कि नहीं? एडिटिव इन्वर्स है या नहीं? तो थ्री को या तो फिर सब्ट्रैक्ट करो या फिर थ्री के एडिटिव इन्वर्स को ऐड कर लो। नहीं समझे तुम? नहीं समझ में आया? सेवन माइनस माइनस फाइव रहता, तो सेवन से माइनस फाइव का या तो फिर सब्ट्रैक्ट कर लो या फिर माइनस फाइव का एडिटिव इन्वर्स क्या था? निगेटिव ना, उसका निगेटिव, तो माइनस का क्या हो जाएगा? निगेटिव पॉजिटिव, तो फाइव को क्या करेंगे हम? ऐड कर लेंगे सेवन में। दोनों बातें तो सेम ही है, बोथ द थिंग्स आर सेम, बोथ द थिंग्स आर इक्वल। ओके, तो आप या तो फिर ये कर लो या फिर ये कर लो, और इसी को हम इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर देंगे। साइन यहाँ क्या कर दिया? प्लस, और इसके साइन को कर देंगे अपोजिट, वो भी हो गया पॉजिटिव। क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। इसमें कोई डाउट है बताओ? नहीं है ना? तो हम क्या लिखें? ये कितना हो गया? माइनस, देखो सेम साइन का एडिशन हो गया कि नहीं? एडिशन ऑफ इंटीजर्स ऑफ सेम साइन, ये क्या हो गया? सेम साइन वाला हो गया। क्या कर रहे थे हम लोग? दोनों के मैग्नीट्यूड को ऐड कर लेंगे, साइन क्या देंगे? जो दोनों का कॉमन साइन है, यही तो बताया था। इट विल बिकम माइनस टेन, इट विल बिकम माइनस टेन। तो देखो, सब्ट्रैक्शन के भी केस में यू हैव सीन हियर दैट यहाँ क्या है? ये इट इज एन इंटीजर, इट इज ऑल्सो एन इंटीजर। बहुआ, वेन यू सब्ट्रैक्ट एन इंटीजर फ्रॉम अनदर इंटीजर, वी गॉट व्हाट? ऑल्सो एन इंटीजर, इंटीजर ही ना, निगेटिव है पॉजिटिव है इट डजेंट मैटर, आया क्या? इंटीजर आया। तो कह सकते हो, इसको एग्जाम्पल लिखने के बाद पहले समझना है, एक टॉपिक था क्लोजर प्रॉपर्टी, याद है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन? व्हाट? कि सम ऑफ एनी टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर, दो इंटीजर का सम क्या होगा? हमेशा एक इंटीजर होगा। उसी तरह से यहाँ है कि दो इंटीजर्स का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ एनी टू इंटीजर्स, ये भी क्या होगा? एक इंटीजर होगा, जो कि आपको दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो आप इसमें सबसे पहला टॉपिक डालेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, क्या? कि द डिफरेंस ऑफ
यहाँ का इसको लिखिएगा द डिफरेंस ऑफ एनी टू इंटीजर्स इज ऑल्सो एन वो भी क्या हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा भाई इंटीजर हो जाएगा। चलो नोट कर लो और एग्जांपल में यहाँ दोगे यहाँ पर लिख लोगे बीच पहले ये के बाद प्रॉपर्टी फिर ये विच इज एन इंटीजर लिख लो पहले क्लोजर ऑफ प्रॉपर्टी फिर एग्जांपल हो गया। ठीक है बढ़ते हैं आगे। क्लोजर प्रॉपर्टी तो ये हो गया अब क्या था कम्यूटेटिव याद है सम का एडिशन का कि द सम ऑफ एनी टू इंटीजर्स एडेड इन एनी ऑर्डर मतलब 3+2 कर लो या फिर 2+3 कर लो कितना आता था 5 ही आता था ना सम में कोई चेंज नहीं होता था। द सम ऑफ एनी टू इंटीजर्स एडेड इन एनी ऑर्डर कितना गलत बात है एडेड इन एनी ऑर्डर इज ऑलवेज सेम क्या होगा हमेशा सेम होगा। ठीक है ठीक है नंबर के जगह पे इंटीजर कह देंगे नंबर के प्लेस पे क्या कह लेंगे इंटीजर कह लेंगे क्योंकि इंटीजर्स के रिगार्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके बढ़ते हैं लेकिन यही चीज़ अब जरा सा देखोगे मेरी बात को समझने की कोशिश करोगे क्या अभी हमने क्या करा सब्ट्रैक्ट करा है 3 को कहाँ से -7 से जस्ट हम इसका अपोजिट करते हैं अब हम कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट -7 फ्रॉम 3 फ्रॉम 3 अब देखो ये क्या आएगा 3 -7 अब क्या लिखोगे इसको 3++7 या फिर सिंपली 7 मैंने ये नहीं कहा साइन ऑफ निगेशन को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना है यहाँ माइनस है तो माइनस प्लस कर देना है यहाँ के साइन को अपोजिट कर देना है प्लस हो गया वो भी प्लस हो गया या फिर माइनस मल्टीप्लाइड माइनस प्लस हो गया नहीं समझ में आएगा इसको आ रहा है ना पक्का ना चलो बउआ देखो तो 3+7 कितना हो गया ये एक ही एग्जाम्पल का कहानी है। अब देखो जब आप 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो -7 से तो वैल्यू क्या आ रहा है -10 और जब -7 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो 3 से यू आर गेटिंग 10+10 -10+10 क्या ये दोनों इक्वल है बट -10 इज नॉट इक्वल टू 10 देयरफॉर क्या हो जाएगा कि भैया देख लो 3 -7 जो है या फिर कह लो -7 -3 ये क्या है इक्वल नहीं होगा 3 -7 के। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि सो दैट सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता है तो 2 को लेकर के इस तरह से प्रूफ कर देंगे 2 को इंटीजर को लेकर के सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव तो 3 को लेकर के सेम वर्क करेंगे वहाँ पर भी इक्वल नहीं आएगा क्लियर है नहीं आएगा तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि दज सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट कम्यूटेटिव ये क्या नहीं है कम्यूटेटिव नहीं है मतलब कि 2 इंटीजर्स का डिफरेंस हमेशा इक्वल नहीं होगा डिफरेंट होगा क्या होगा डिफरेंट होगा। ठीक है नोट में करके इस दोनों को इधर भी करोगे फिर इसको चेक करोगे फिर यहाँ लिखोगे ये करोगे। ठीक है चलो करो ठीक है भाई ऐसा हो गया तो सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं है और अगर सब्ट्रैक्शन को प्रूफ करना होगा कि सब एसोसिएटिव नहीं है क्या स्टेटमेंट लिखोगे दूसरा नंबर नोट में कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव टू सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव भी नहीं होता है तो जरा सा याद करो एसोसिएटिव का मतलब मीनिंग ऑफ एसोसिएटिव क्या था भाई याद नहीं है कैसे होगा एडिशन में एसोसिएटिव का क्या प्रॉपर्टी था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन
The sum of any three integers is always same even their order is changed. थ्री इंटीजर्स का सम हमेशा इक्वल रहेगा, आप उसको किसी भी ऑर्डर में ऐड करिए. जो चीज़ें पढ़ाई जाती है ना, घर जाकर के उसको रिवाइज भी करना होता है. अभी तो शुरुआत है, थोड़ा थोड़ा करके ना मोटा होते जाएगा, फिर कहोगे बहुत हो गया, आप क्या ही पढ़ें. तो ये दिन ना आए तो बेहतर हो, समझ रहे हैं ना. चलिए, हमने कहा कि सब्ट्रैक्शन ऑफ तो जैसे ही सब्ट्रैक्शन लगेगा सारा प्रॉपर्टी खाली हो जाएगा, उसमें ना ही वो कम्यूटेटिव होगा और ना ही वो एसोसिएटिव होगा. ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट एसोसिएटिव. एसोसिएटिव ये एसोसिएटिव भी नहीं होता है, एसोसिएटिव टू. ठीक है, हो गया निगेटिव बात. फॉर एग्जाम्पल जरा सा देखो, अगर हम करते हैं कि माइनस थ्री, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लिए पहले माइनस टू को और फिर सब्ट्रैक्ट कर लिए फोर को, या फिर कहो तो ज़रा सा देखो, हम एक बार ये ले लिए, ज़रा सा देखो तो क्या होगा, क्या होगा बताओ. माइनस थ्री माइनस, सुनो, माइनस टू माइनस फोर, ये कितना हो गया, माइनस थ्री माइनस सिक्स, माइनस माइनस सिक्स, अरे शांत रहो ना. तो माइनस थ्री प्लस कितना हो गया, सिक्स, माइनस थ्री प्लस सिक्स, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस थ्री हो जाएगा, प्लस थ्री हो जाएगा. एंड यही चीज़ अब उल्टा कर लो, हमने थ्री में से इन दोनों के डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट किया, अब इन दोनों के डिफरेंस से फोर को सब्ट्रैक्ट करो, अब क्या होता है, माइनस थ्री माइनस माइनस टू माइनस फोर, जरा देखो क्या होता है. ये क्या हो जाएगा, माइनस थ्री माइनस माइनस प्लस टू माइनस फोर, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस वन, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, ये क्या होगा फाइनली, माइनस फाइव. हुआ कि नहीं हुआ, अरे हुआ कि नहीं हुआ. तो यहाँ पर हेयर क्या कहोगे कि सिंस थ्री इज नॉट इक्वल टू माइनस फाइव, थ्री माइनस फाइव की इक्वल होता है क्या, नहीं होता है, तो इसके कारण से क्या नहीं होगा, देयर फोर माइनस थ्री माइनस माइनस टू माइनस फोर ये इक्वल नहीं होगा किसके, बता लो, माइनस थ्री माइनस माइनस टू माइनस फोर के. सो वी कैन से दैट कि सब्ट्रैक्शन इज ऑफ इंटीजर्स इज नॉट एसोसिएटिव. हेंस इसको प्रूफ करने के लिए पूछा जाएगा, शो करने के लिए, प्रूफ करने के लिए पूछा जाएगा. हेंस आप लिख दोगे कि सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट एसोसिएटिव. वो एसोसिएटिव भी ना ही ये कम्यूटेटिव होता और ना ही ये एसोसिएटिव होता. यहाँ पर कोई सब्ट्रैक्टिव आइडेंटिटी नहीं है, यहाँ कोई सब्ट्रैक्टिव इनवर्स भी नहीं है, कुछ नहीं, मतलब यहाँ एक ही प्रॉपर्टी फॉलो किया जाता है, दैट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी, विच इज द डिफरेंस ऑफ एनी टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर. क्लियर है, चलिए नोट कर लीजिए इसको. हाँ तो भाई हो गया, नोट कर लिया आप लोगों ने, बहुत अच्छा है. ठीक है, चलिए बढ़ते आगे. तो सब्ट्रैक्शन में और कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है. ठीक है, बाकी चार काम हम इसको एडिशन पे कन्वर्ट कर लेंगे कैलकुलेशन में. अब किस किस का है, मल्टीप्लिकेशन, व्हाट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स. देखो ये जो सब्ट्रैक्शन है ना, उसी तरह से फिर डिवीजन है, डिवीजन तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं करता है.
उसमें जरूरी नहीं कि दो नंबर का जो क्वेश्चेंट होगा वो इंटीजर ही हो जाए। जैसे 3 को 2 से डिवाइड करोगे, वन क्वेश्चेंट वन आएगा बट रिमाइंडर भी तो वन आएगा, समझ रहे हो ना, एग्जैक्टली डिवीजन नहीं होगा, तो उसके समय वो रेशनल नंबर हो जाएगा, इंटीजर ना रह करके वो रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो कोई प्रॉपर्टी आपका डिवीजन पे भी काम नहीं करता, केवल किसके लिए है, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन ऑफ सर, इसका पढ़ाने का क्वेश्चन दीजिए। हाँ सर, जरूर सर, थैंक यू सर, पहले पढ़ा ले। तो फर्स्ट थिंग देखिए भाई, देखो सिंपल सा लॉजिक क्या है, इफ यू मल्टीप्लाइड -3/2 यू विल गेट -6। क्यों भाई, मैंने बताया था, क्या बताया था कि भैया सेम साइन का मल्टीप्लीकेशन होगा, प्रोडक्ट ऑलवेज पॉजिटिव होगा। वॉट When we multiply two integers of same sign, the product is always, if their product is always positive. But when we multiply two integers having different sign, their product is always negative. Is there any doubt? No sir. Is there any kind of doubt? No sir. Okay sir. अब देखो चीजों को क्या है कि ये -3 क्या है, इंटीजर है, 2 इज ऑल्सो एन इंटीजर, -6 इज ऑल्सो एन, तो ऑन मल्टीप्लाइंग एनी टू इंटीजर्स वी गेट द प्रोडक्ट एज एन इंटीजर। बताओ हाँ कि ना, इसमें कोई तकलीफ है भैया? नहीं है। तो व्हाट विल हैपन है, क्या लिख सकते हो, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ना अपनी, दैट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन का नहीं ना बताया बउआ, देखो ना सही से, रिगार्डिंग मल्टीप्लीकेशन मैंने नहीं पढ़ाया होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ाया है, बट किसके लिए, एडिशन के लिए, फॉर व्हाट, फॉर एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ाया है बट किसके लिए, एडिशन के लिए। वहाँ क्या था, सम इक्वल था, सॉरी सम जो था वो इंटीजर था, देखो कुछ नहीं है, क्लोजर प्रॉपर्टी हो, कम्यूटेटिव हो, एसोसिएटिव हो, वहाँ एडिशन के लिए होगा तो वहाँ सम एज ए रिजल्ट आएगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन के लिए होगा तो रिजल्ट क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में रिजल्ट क्या होता है, अरे दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, उसका क्या कहते हैं, उसको प्रोडक्ट कहते हैं ना, तो रिजल्ट प्रोडक्ट हुआ ना, क्या यस बाबू, ऐसा कैसे काम चलेगा। अब ये रिप्लाई और 2 और 3 का प्रोडक्ट ना 6 होता है जी, बताना पड़ेगा ना, हाँ बताना पड़ेगा ना, चले ठीक है, हम ना बता दें, आपको भी बताना पड़ेगा भैया। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, सिंपली क्लोजर यहाँ लिख दिया ना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, उसी के अंदर में क्लोजर प्रॉपर्टी तो उसी का है, तो ये लंबा चौड़ा टॉपिक देने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है, ये समझ में आता है, पहले से बताया गया हुआ आता है ना, आता है, नोट किए हैं उसको छोड़िए, याद क्या है उसको पकड़िए, हैं, नोट तो सारा दुनिया बना रहा है, नोट्स तो सारे लोग बना रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स बना रहे हैं, बट उसमें से कितना आपको याद है ये मैटर करता है, ठीक है। चलिए तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो, वहाँ सम ऑफ 2 इंटीजर था, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स हो जाएगा और कुछ चेंज नहीं होगा, क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इंटीजर्स इज Always an integer. Okay. Yes. इसमें कोई तकलीफ है? Example. अगर हम find out करते हैं 3 multiplied -4, both are integers. Both are integers. यहाँ sign क्या है? Plus. यहाँ क्या है?
इसको लिख लोगे माइनस थ्री मल्टीप्लाइड फोर, खत्म, इट विल इक्वल टू माइनस ट्वेल्व। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, हम प्रोसेस बता दिए विच इज, ठीक है। तो कह सकते हो 10 कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स इज क्लोज्ड, क्लोज मतलब वो क्लोज नहीं, पास पास वाला नहीं, क्लोज मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, क्लियर है। चलिए लिख लोगे इसको जल्द, पहले लिखो तो प्रॉपर्टी बनाओ तो, चलो नोट करो, नोट करो जल्दी से। Have you done? Okay. Next one क्या होगा? Commutative property of multiplication. क्या? Commutative property of multiplication of integers. Okay. Look. क्या हो जाएगा? Commutative property of addition में क्या था? कि दो number का sum always equal रहेगा. यहाँ दो number का क्या रहेगा? अलग नहीं रहेगा, प्रोडक्ट रहेगा वो इक्वल ही रहेगा। अलग कैसे हो जाएगा भैया? प्रॉपर्टी पढ़ा लें, अरे पढ़ा लें भैया, नहीं कहोगे तो छोड़ देते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये क्या होगा बउआ? देखो क्या होगा कि द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इंटीजर्स इज ऑलवेज सेम इवन देयर ऑर्डर इज चेंज्ड। अगर आप उसके ऑर्डर को, क्रम को, नहीं फर्स्ट को सेकंड प्लेस पे ला देते हो, सेकंड को फर्स्ट प्लेस पे, देयर आफ्टर भी क्या होगा, उनका प्रोडक्ट सेम ही रहेगा। दैट इज अगर लेट ए एंड बी बी एनी टू इंटीजर्स बी एनी टू इंटीजर्स देन क्या होगा, ए मल्टीप्लाइड बी विल इक्वल टू बी मल्टीप्लाइड ए। बात समझ में आई? इफ ए एंड बी आर द टू इंटीजर्स देन ए इंटू बी या फिर बी इंटू ए दोनों क्या होगा, सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल देख लो क्या है, थ्री मल्टीप्लाइड माइनस फाइव, ठीक है, या देखो तो कितना आएगा माइनस थ्री मल्टीप्लाइड फाइव दैट मीन्स माइनस एंड जरा देखो, माइनस फाइव मल्टीप्लाइड अगर थ्री करोगे फिर से डिफरेंट साइन है, रिजल्ट क्या होगा, निगेटिव फाइव थ्री का कितना होता है 50। तो हियर देख रहे हो दोनों का प्रोडक्ट क्या सेम है, तो कह सकते हो कि थ्री मल्टीप्लाइड माइनस फाइव इक्वल्स माइनस फाइव मल्टीप्लाइड, कोई तकलीफ है इसमें? समझ में आया कि नहीं आया? नोट कर लीजिए। हाँ सर जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ तो ये क्या हो गया, यहाँ पर इक्वल हो गया, तो आप क्या कर सकते हो कि हेंस व्हाट, यही अगर देखो क्वेश्चन में रहेगा कि सो दैट मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू इंटीजर्स इज कम्यूटेटिव, या फिर सिंपली रहेगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स इज कम्यूटेटिव। तो ऐसे ही एग्जाम्पल लेकर के आप क्या करोगे, प्रूफ करोगे, और लास्ट में लिख दोगे कि द मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स इज व्हाट, कम्यूटेटिव। क्या हो जाएगा?
ओके, इस लाइन को नोट करोगे, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे. व्हाट्स द थर्ड प्रॉपर्टी दैट इज व्हाट एसोसिएटिव. व्हाट एसोसिएटिव. देखो तो सिंपल सा लॉजिक है, कम्यूटेटिव कितने पे काम करता है, दो पे, और एसोसिएटिव वही चीज. बस 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 इतनी ही सी बातें हैं भाई. हाँ इतनी सी ही बातें. Keep silence and note it down. Okay. What is written there? What is written here? Okay. Look. Now the next third property, that is what? Associative. What? Associative. Associative property. यहाँ क्या हो जाएगा? Two के place पे क्या हो जाएगा भैया? Three. क्या हो जाएगा? Three. यहाँ क्या हो जाएगा? If A, B and C, if A, B and C, C be any three integers, then A multiplied B multiplied C or A multiplied B multiplied C, ये दोनों क्या होगा? Equal होगा. और ये कैसे होगा? Example खुद से करोगे? हमको तो कुछ example यहाँ देना पड़ेगा ना? अरे हमको देना पड़ेगा ना. चलो फॉर एग्जाम्पल जस्ट वेट. ठीक आप करके बताओ हमको क्या करना है. फर्स्ट में एग्जाम्पल अपने पास 3 × -5 × 2 और इसको इक्वल प्रूफ करना है किसके. 3 × -5 × 2 के. जरा करके बताओ आप लोग, इसको प्रूफ करके बताओ. इसको नोट करना है, फिर इस एग्जांपल को सॉल्व करना है, फिर उसको नोट करना है. यू हैव 3 to 5 minutes. 3 मिनट्स. चलिए जल्दी से कर लीजिए. ये लास्ट के लिए है, ये पोर्शन लास्ट के लिए है. हम मिटाए नहीं क्योंकि हम आपको यूज होने वाला है, इसलिए आप लोग इसके लिए बेचैन मत होइएगा. सेम ही तो लाना है, दोनों का आंसर सेम ही तो लाना है. कभी इक्वल ना होगा तो क्या हुआ. द प्रोडक्ट ऑफ एनी थ्री इंटीजर्स इज ऑलवेज सेम इवन देयर ऑर्डर इज चेंज्ड. ओके लुक हियर, सिंपल सी बात क्या है. हियर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सॉल्यूशन देखिए. कि सिंस क्या होगा, 3 × -5 × 2 जरा क्या होगा बताओ तो. अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लो, कितना हुआ 5 × 2. साइन क्या है, निगेटिव एंड पॉजिटिव. निगेटिव हो जाएगा -10. अगर हम -10 से मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा -30. एंड इसका देख लो क्या हो जाएगा, 3 × -5 और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा. क्या हो जाएगा 3 × 5 = 15 -15 × 2 क्या आएगा -30. तो दोनों का प्रोडक्ट सेम आया कि नहीं आया. अरे भाई आया कि नहीं आया, आ गया ना. When both the product became same, you can say that what? भैया देखो 3 × -5 × 2 = 3 × -5 × 2 प्रोडक्ट ऑफ 3 × -5 × 2 दोनों के इक्वल हो गया. तो आप कह सकते हो कि हैंस द मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स इज एसोसिएटिव. ये भी क्या होगा, एसोसिएटिव होगा. कोई प्रॉब्लम है इसमें? अरे तीन नंबर है, 3 integers we have to find out their products and check out whether they are equal or not. वो इक्वल है नहीं है, इक्वल है मतलब मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव है. नहीं होता तो मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव नहीं होता. नोट कर लीजिए, बढ़ते हम लोग आगे, जल्दी से नोट करेंगे इसको.
यस का कंप्लीट हो गया। अरे वाह, चलो डन, वेरी गुड। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वहाँ क्या पढ़ते हैं, एसोसिएट एडिटिव आइडेंटिटी, यहाँ पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब एक ऐसा इंटीजर जिससे अगर हम नंबर को मल्टीप्लाई करें, दूसरे इंटीजर को मल्टीप्लाई करें, तो प्रोडक्ट दूसरे इंटीजर के बराबर हो जाए। सोच करके देखना है, इसको वाइप करते हैं। सच एन इंटीजर वेन मल्टीप्लाइड विच वेन मल्टीप्लाइड टू अ गिवेन इंटीजर द प्रोडक्ट इज ऑलवेज सेम एज द गिवेन इंटीजर, वो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। दैट इज नोन एज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, दैट इज नोन एज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी फॉर एन इंटीजर। देख लो, फॉर एग्जाम्पल वेन यू मल्टीप्लाइड माइनस फोर बाई वन यू विल गेट वॉट, माइनस फोर। यही से बात है ना, मैंने कहा कि इफ देर इज एनी गिवन इंटीजर, तो किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, इंटीजर से मल्टीप्लाई करना है कि जो प्रोडक्ट है ना वो इस गिवन इंटीजर के इक्वल हो। प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स प्रोसेस क्या होता है, डिवीजन। इसको ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड, माइनस थ्री डिवाइडेड बाई माइनस थ्री, ये कैंसिल होकर क्या देगा, वन। एंड दैट्स वाई द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी इज वन। व्हाट, मल्टीप्लीकेटिव बोल लीजिए आइडेंटिटी, व्हाट मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, ये फोर्थ प्रॉपर्टी होगी। क्या कह सकते हो, कीप साइलेंस, सिंपली कहो सच एन इंटीजर विच वेन मल्टीप्लाइड, विच वेन मल्टीप्लाइड टू अ गिवन इंटीजर, टू अ गिवन इंटीजर देन द प्रोडक्ट इज सेम एज द गिवन इंटीजर, सच एन इंटीजर विच वेन मल्टीप्लाइड टू अ गिवन इंटीजर। जैसे यहां देखा हमने, अगर हम माइनस थ्री को क्या करेंगे, माइनस थ्री इज अ गिवन इंटीजर, वी मल्टीप्लाई इट बाई वन, वट इज द प्रोडक्ट हियर, माइनस थ्री, दैट मीन्स माइनस वन इज अ वट, माइनस वन हूँ क्या बोल दिए, वन इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। इसका मीनिंग क्या हुआ कि वन क्या है, देखो हमने कहा सच एन इंटीजर विच वेन मल्टीप्लाई टू अ गिवन इंटीजर द प्रोडक्ट इज सेम एज द गिवन इंटीजर, तो ये जो भैया वन हो गया जिस इंटीजर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो क्या कहलाएगा, उस इंटीजर को क्या करेंगे, यहाँ पर लगाइए कॉमा, इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। चल यहाँ पर क्या होगा, या फिर ऐसे कर लेंगे कि फॉर एनी इंटीजर ए ए मल्टीप्लाइड वन इक्वल्स टू वन मल्टीप्लाइड ए, और ये दोनों किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल, देयर फोर वन इज नोन एज व्हाट, वन इज नोन एज मल्टीप्लीकेटिव बोल लो आइडेंटिटी, हो गया, ये हो गया आपका मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल थ्री मल्टीप्लाइड वन कितना होता है, थ्री, देयर फोर ये हो जाएगा अपना मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, हो गया, कौन हो जाएगा वन, जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी और सिमिलरली वन इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। जल्दी से नोट कर लोगे आप,
ठीक है भाई, आप नोट कर लो। अब इसके बाद हमारे पास दो टॉपिक है इसमें, एक तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है और एक जो सबसे इफेक्टिव, सबसे ज़्यादा यूजफुल कह सकते हो, दैट इज़ व्हाट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एज वेल एज ओवर सब्ट्रैक्शन। इन दोनों को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।